Meet the guy. Who, me? Van Wilder. Wilder. Van Wilder. GLAD to meet you. Who puts the cool back into school. X equals six. Great work, man. Thanks. This summer. I'm doing a human interest piece on you. I'd love for your piece to be on me. A party thrown by Van Wilder the... ये कहानी एक वैन वाइल्डर नामक लड़के की है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है पर उसे पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो 7 साल से कॉलेज में पढ़ा है। वो अपने कॉलेज में बहुत फेमस है और वो अपनी कस्टमाइज्ड गोल्फ कार्ट को लेके पूरा कैंपस में घूमता रहता है। उसके दिन फिगर ड्राइंग क्लासेस के लिए न्यूड पोज करने में, पार्टीज अरेंज करने में और अपने जूनियर्स और दोस्तों के लिए फंड रेज करने में ही निकल जाते हैं। उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम हच है, जो उसका रूममेट है और वैन उस पर बहुत विश्वास करता है। इस कहानी की शुरुआत में वैन हमें बताता है कि स्प्रिंग का मौसम था और उसके कॉलेज में एडमिशन्स खत्म हो चुके थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए थे हर साल की तरह, और उसके लिए ये सब अब एक ट्रेडिशन की तरह बन गया था। जब वो अपनी पैंट का मेजरमेंट दे रहा था तब उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने विंडो से झांक के देखा तो उसे पता चलता है कि छत पर कोई है और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तब वो उसके पास जाता है और उससे बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि फर्स्ट ईयर मुश्किल हो सकता है पर मैंने अपने 7 ईयर के कॉलेज में ये सीखा है कि कितनी ही बड़ी मुश्किल हो हम उन सबको पार कर सकते हैं अगर हमारे पास वो विल पावर हो तो। ये सब बातें करते करते वो लड़का अचानक कूद गया पर पुलिस ने उसको बचा लिया और वैन को धन्यवाद दिया। फिर वो अपनी गोल्फ कार्ट को लेके उस रूम में पहुंचा जहां उसने अपने असिस्टेंट को हायर करने के लिए इंटरव्यूज रखे हुए थे। इंटरव्यू देने के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है और इंटरव्यू लेते टाइम हमें कई सारे कॉमेडी सीन मिलते हैं जहाँ कोई अपना सिर पत्थर में मार रहा होता है तो कोई अपनी बातों से उसे मना रहा होता है। फिर एक लड़की भी आती है जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है पर जैसे ही वो बात करती है तो वैन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी वॉइस पूरी लड़कों की तरह थी। और एक आता है जो अपने पेट को बढ़ा के गंदी गंदी आवाजें निकाल रहा था। इंटरव्यू खत्म होता है पर वैन को कोई भी पसंद नहीं आता और वो उदास होकर कहता है कि आजकल के यूथ को क्या हो गया है। फिर उनके रूम की बेल बजती है और हर्ष देखता है कि कोई इंटरव्यू देने आया है और वो ये बात वैन को बताता है। उस लड़के का इंटरव्यू स्टार्ट होता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम ताजमहल बदलंदाबाद है और वो एक फॉरेन एक्सचेंज का स्टूडेंट है इंडिया से और उसका एक्सचेंज प्रोग्राम कल्मिनेट होने वाला था इस साल तो इसलिए वो चाहता था कि बचे हुए दिन वो वैन के साथ गुजारे उसका असिस्टेंट बनके, क्योंकि उसको वर्जिन होके घर वापस नहीं जाना था और वो वैन से अमेरिका आर्ट ऑफ मफ डाइविंग सीखना चाहता है। इन सब बातों से वैन खुश होता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है ग्वेन पियर्सन, जो कि स्कूल के पेपर के लिए काम करती है पर उसके टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसके आर्टिकल्स कभी स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नहीं ला पाए। तो एक दिन उसका बॉस उसे वैन वाइलर के ऊपर एक स्टोरी देता है क्योंकि वैन पेपर के लिए इंटरव्यू देने से हमेशा मना कर देता था। वैन ताज के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाता है और देखता है कि उसकी कॉलेज की टीम हार रही थी तो वो टीम को मोटिवेट करने जाता है और उन्हें अपनी बातों से एनर्जाइज करता है। उसके बाद वो टीम जीत जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ वैन के पापा को पता चलता है कि वैन अभी भी कॉलेज में है और वो थोड़ा चौंक जाते हैं। वो वैन को लेने उसके कॉलेज जाते हैं जहाँ पार्टी चल रही होती है और वो वैन को देख के शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उसने लड़कियों की फ्रॉक पहन रखी थी। फिर वो दोनों बात करते हैं और वैन के पापा उसे अपना सामान पैक करने बोलते हैं क्योंकि वो उसे घर ले जा रहे थे, पर वैन नहीं मानता तो फिर उसके पापा उसे पैसे देना बंद कर देते हैं और इस वजह से वैन अपना एनरोलमेंट नहीं करवा पा रहा था तो वो फीस पेमेंट के टाइम को बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रार डेलोरिस हेवर के पास पेमेंट एक्सटेंशन के लिए गया, लेकिन उसको रजिस्ट्रार के साथ इंटीमेट होना पड़ा। इंटीमेट होने के बाद डेलोरिस ने वैन को एक्सटेंशन के पेपर दे दिए। ग्वेन वैन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और उससे बात करने के लिए उसके कॉलेज जाती है पर वैन मना कर देता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है और वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों से वैन बहुत कोशिश कर रहा था पैसे अरेंज करने की पर पूरे नहीं कर पा रहा था। फिर लैम्डा ओमेगा ओमेगा फ्रेटर्निटी ने उसे एक धमाकेदार पार्टी अरेंज करने को बोला और वो उसके लिए वैन को $1,000 देंगे और वो वैसे ही पार्टी अरेंज करता है जैसे लैम्डा को चाहिए थी। ग्वेन उस पार्टी में जाती है वैन का इंटरव्यू लेने पर वो उसे वापस मना कर देता है। ग्वेन दो लैम्डा को पार्टी के बारे में बात करते हुए सुन लेती है और एक स्टोरी बनाती है जहां वैन को इस पार्टी का होस्ट बनाकर रखती है और ये स्टोरी उसके बॉस को बहुत पसंद आई और वो उसे वैन के बारे में और स्टोरी लिखने को बोलते हैं। वैन उस आर्टिकल को पढ़ के गुस्सा हो जाता है पर उस आर्टिकल को पढ़कर सब वैन को अप्रोच करते हैं पार्टी अरेंज करने के लिए और ये सुनकर वो खुश होता है और ग्वेन को इंटरव्यू देता है। ऐसे ही ग्वेन उसकी हर पार्टी में जाके उसका इंटरव्यू लेती है।
फिर वैन उसे हॉकी खिलाने ले जाता है और वो लोग एक मैच खेलते हैं जिसमें वैन हार जाता है और फिर ये दोनों बैठ के बात करते हैं। ग्वेन का बॉयफ्रेंड रिचर्ड जो कि एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और फ्रेटर्निटी डेल्टा लोटा कापा का प्रेसिडेंट भी है, उसे जैसे ही पता चलता है कि ग्वेन वैन के साथ काम कर रही है, उसको लगता है कि ग्वेन और वैन के बीच एक अच्छा बॉन्ड हो रहा है और वो उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर ग्वेन वैन को अपनी पार्टी में बुलाती है, पर वह रिचर्ड वैन की सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश करता है, पर ग्वेन और रिचर्ड की बहस हो जाती है इस बात को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन वैन से माफी मांगती है। रिचर्ड से बदला लेने के लिए वैन हच और ताज क्रीम फिलिंग वाली पेस्ट्रीज की जगह वैन के इंग्लिश बुलडॉग से लिया हुआ कैनाइन सीमन डाल देते हैं। ताज एक लड़की के मसाज करने जाता है पर उसके साथ इंटीमेट होने के चक्कर में ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और टेबल पर रखे कैंडल स्टैंड को गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके बैग पर आग लग जाती है और वो विंडो से स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। वैन और हच उसे लेके बैंडेज करते हैं और उसे समझाते हैं कि उसने अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर ले लिया है, उसे अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ग्वेन को वैन की ट्रांसक्रिप्ट्स मिलती है एडमिशन और रिकॉर्ड ऑफिस से, और जब वो उसे पढ़ रही होती है तो उसे पता चलता है कि वैन ने पिछले 7 सेमेस्टर अवॉइड किए थे। सालों पहले ही उसने क्लासेस में जाना बंद कर दिया था और उसके ग्रेजुएशन में 18 यूनिट कम है। वैन को जब ये सब पता चलता है तो वो उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और खुद को ग्वेन से दूर कर लेता है, पर बाद में वो रियलाइज करता है कि ग्वेन सही थी और वो अपने क्लासेस करता है और ये बात ग्वेन को जाके बताता है। उनकी ये सब बातें जेनी सुन लेती है और रिचर्ड को बताती है, और रिचर्ड को लगता है कि ग्वेन वैन के लिए फील करने लगी है, इसलिए वो उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है, पर ग्वेन एक्सेप्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ग्वेन वहाँ से वैन के पास गई पर वैन को किसी और लड़की के साथ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। ये सब रिचर्ड देख लेता है और बहुत गुस्सा होता है और वैन से बदला लेना चाहता है। बदला लेने के लिए रिचर्ड जेनी के साथ मिलकर वैन की एक पार्टी में अंडर एज बच्चों को ले आता है जो कि अलाउड नहीं था, और उन्हें ड्रिंक करा देता है। फिर वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस वैन को इस सब के लिए अरेस्ट कर लेती है। उदास वैन अपनी तैयारी कर रहा होता है कॉलेज छोड़ने की, पर ताज आता है और उसे इंस्पायर करता है चार्जेस की अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स मिलके वैन को अपनी सारी रिसोर्सेज के साथ डिफेंड करने का फैसला लेते हैं। जब कोर्ट इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो बाकी स्टूडेंट्स वैन के लिए और सपोर्ट लाने की कोशिश कर रहे थे, और जब वैन को उसका पक्ष रखने के लिए बोला जाता है तो वैन को ग्वेन की कही हुई सारी बातें याद आ गई। वैन ने कोर्ट को कहा कि ये उसकी ही गलती थी, उसे और ध्यान देना चाहिए था, पर वो कोर्ट को ये भी बोलता है कि उसे एक्सपेल करना उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी क्योंकि वो तो पहले से ही क्लास नहीं करता। उसने और बोला कि उसको ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए फोर्स किया जाए, और वो कोर्ट को इंश्योर करता है कि वो उसके बाकी बचे हुए सेमेस्टर को भी कम्प्लीट कर लेगा। प्रोफेसर मैकडोगल ने वैन की वापसी के लिए वोट दिया और फिर वैन अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देता है जो कि बस 6 दिन बाद ही थी। जेनी ग्वेन से मिलकर उसे बताती है कि लास्ट नाइट वो और रिचर्ड इंटीमेट हुए थे। ये सब सुनकर ग्वेन ने रिचर्ड के प्रोटीन शेक में लेक्सिटिव मिला दिए थे जब वो अपने मेडिकल एग्जाम देने जाने वाला था। एग्जाम के बीच उसके पेट में गड़बड़ होती है और वो अपना एग्जाम नहीं दे पाता। एग्जाम हॉल से निकलते ही उसे डॉक्टर मिले जो उससे बात करना चाहते थे, और वो उसे रूम में ले गए, पर रिचर्ड कंट्रोल ना कर पाने के कारण सबके सामने वेस्ट बास्केट में डायरिया कर देता है। और दूसरी तरफ वैन अपनी एग्जाम्स में पास होने की पूरी कोशिश करता है, और बाद में मैकडोगल उसे बताते हैं कि वो एग्जाम में पास हो गया है। मैकडोगल सोचते हैं कि वो वैन के साथ इतने साल कितना गंदा बिहेव करते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो अपना पूरा पोटेंशियल नहीं लगाता। इधर ग्वेन ने भी अपना आर्टिकल कंप्लीट कर लिया होता है वैन के बारे में, जिसमें उसने लिखा होता है कि कैसे वैन ने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की, कैसे 6 दिन में फाइनल एग्जाम्स पास किए, और कैसे रिचर्ड ने वैन को फंसाने की कोशिश की थी। रिचर्ड ये आर्टिकल्स रेस्टरूम में बैठ के पढ़ रहा होता है और उसका डॉक्टर बनने का ड्रीम बर्बाद हो जाता है। पूरा कॉलेज वैन की ग्रेजुएशन पास करने की खुशी में पार्टी रखते हैं और एंजॉय करते हैं। वैन के पापा भी वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि वो गलत थे और फिर अपनी गलती मानते हैं, और उन्हें अब वैन की सफलता पे भी बहुत गर्व होता है। ग्वेन वहाँ आती है और वैन से मिलती है। कहानी यही खत्म हो जाती है।